में बिहार की सियासत सहरसा में युवा प्रदेश महासचिव अमरेंद्र कुमार यादव के नेतृत्व में किया गया प्रदर्शन। पशुपति पारस समेत 5 अजेपी सांसदों का हुआ पुतला दहन। तेजस्वी तेज प्रताप की टीका लेने पर गर्मा सियासत। विपक्षियों ने स्पुतनिक की लेने पर साधा निशाना। जेडीयू का आरोप, देश के वैज्ञानिक पर नहीं है भरोसा। बिहार सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल जल योजना को लेकर प्रशासन सख्त। प्रभात कुमार ने बाढ़ का किया दौरा। कर्मचारियों को काम में तेजी लाने के दिए निर्देश। बिहार में बढ़ता अपराध का ग्राफ। बेखौफ अपराधियों ने व्यवसायी को दिन दहाड़े मारी गोली। 3,70,000 रुपए की लूट को दिया अंजाम। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों की ओर। तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के कोविड की टीका लेने के साथ ही बिहार के राजनीतिक गलियारों में युद्ध शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि लालू के लाल को भारत के वैज्ञानिक और चिकित्सकों पर भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने विदेशी टीका लिया है। लेकिन राहुल गांधी तो अभी वैक्सीन ले भी नहीं सकते क्योंकि वो तो इटली के बने किसी टीके का इंतजार कर रहे हैं जिसके बनने का अभी कोई दूर दूर तक चांस नहीं दिख रहा है। वहीं आपको बता दें कि मोतिहारी के बनकटवा प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा पूरे प्रखंड को 100% टीका देने वाला देश का पहला प्रखंड बना है, जिसे लेकर बीते दिन डॉक्टर्स डे के मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय सांसद संजय जायसवाल द्वारा बनकटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया। अवसर पर मैं बनकटवा अस्पताल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सभी चिकित्सक, खासकर डॉक्टर आशुतोष, डॉक्टर विजय, यूनिसेफ केयर के प्रतिनिधि और सभी अपनी जीएनएम एएनएम बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बनकटवा जहां एक भी नगर पंचायत नहीं है, केवल ग्रामीण क्षेत्र है पूरा प्रखंड, और इसके 10 पंचायत के सभी गांवों में जो उन्होंने पूर्ण टीकाकरण का काम किया है, यह देश के लिए एक उदाहरण है। और यह भी उदाहरण है कि अगर डॉक्टर, नर्सेज और जनप्रतिनिधि, पंचायत के जनप्रतिनिधि और खास मेरे पार्टी के कार्यकर्ता सब मिलकर अगर सम्मिलित प्रयास करें तो हम हर गांव को 100% टीकाकरण प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए पुनः बनकटवा को बहुत बहुत बधाई। बीजेपी में फूट के बाद बिहार में सियासत गर्म है। जहां एक तरफ दूसरी पार्टियां इसमें अपना अपना फायदा देख रही है, तो वहीं चिराग पासवान के समर्थक पशुपति कुमार पारस समेत एलजेपी के अन्य सांसद और विधायक का विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में सहरसा के बनवा इठहरी में एलजेपी के युवा प्रदेश महासचिव अमरेंद्र कुमार यादव के नेतृत्व में पशुपति कुमार पारस, चौधरी महबूब अली केसर, चंदन सिंह, वीणा देवी, प्रिंस राज का पुतला फूंका गया। इस दौरान इन सभी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। वही मौके पर कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। देखिए, सबसे पहले लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सीतामढ़ी जिले में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालात तो ये है कि जिले के कई इलाकों का संपर्क जिला मुख्यालय से भी टूट चुका है। इतना ही नहीं, बारिश के साथ चल रही हवाओं से बिजली के पोल भी टूट गए हैं। पुल बहुत पुराना था, उससे पहले चचरी का था। फिर प्रशासन द्वारा पुल बनाया गया जो इतना ठोस नहीं मतलब था, फिर भी चलने लायक नहीं था, तो दोबारा पुल बनाने का निर्माण काम चल रहा था। छिद्दार द्वारा डाइवर्सन बनाया गया था लेकिन उतना ठोस डाइवर्सन नहीं था। यहाँ पीपा पुल का जरूरत है। इससे पहले प्रशासन को हम लोग आग्रह कर चुके हैं, छिद्दार साहब को, स्कूटी मेयर को, सभी आदमी को हम बोल चुके हैं, लेकिन पीपा पुल का भी कोई प्रावधान नहीं। बिहार सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना
हर घर नल जल योजना में हो रही लेट लतीफी को लेकर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रभात कुमार ने बाढ़ जिले का दौरा किया। बाढ़ नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 1 का निरीक्षण के बाद मीडिया से मुखातिब होकर उन्होंने बताया कि कार्य की गति थोड़ी धीमी चल रही है, जिससे तेज करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कार्य कर रहे कर्मचारियों को काम में तेजी लाने की बात भी कही। वार्ड नंबर 8 और 1 में कुछ जगह कनेक्शन टूटा हुआ था जी, उसका शिकायत प्राप्त हुआ था, उसको उसी की जाँच किया गया था। लेकिन काम बना हुआ है वार्ड नंबर 8 में, 2-3 दिन में लगभग सभी घरों में कनेक्शन छूटा हुआ है, प्राप्त हो जाएगा। कुछ जगह हाउस कनेक्शन का प्रॉपर ढंग से रिटोफिटिंग का भी शिकायत प्राप्त हुआ था, वो भी सही पाएगा, उसको समय तक कुछ चेतावनी दिया गया है। और उसके जो एजेंसी के जो सुपरवाइजर है उसको हटाने का निर्देश दिया गया है, और उसको जो गड़बड़ी था उसको दुरुस्त कर रहे हैं, 2-3 दिन के अंदर। बेतिया में हो रही बारिश और वाल्मीकि नगर गंडक बराज से छोड़े गए पानी से जिले में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। दोबारा से आई इस बाढ़ ने लोगों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। बेतिया नरकटियागंज मुख्य सड़क पर 3 से 4 फीट तक बाढ़ का पानी बह रहा है, जिससे नरकटियागंज अनुमंडल सहित दर्जनों गाँव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। बिया के स्थिति बैल की जनवरी दूसरा पहल का बेर तक गईबे कहीं धान के बिया गिराव रहा था, 55-50 रुपया किलो के धान के बिया कीन के गिरावर ला पहल का बाढ़ ले गई, दूसरकों में फिर गिरावर ला धान के बिया फिर ई बाढ़ ले गई। हमनी के स्थिति बहुत माने एथी हो गई, दयनीय हो गई बा। मुख्यालय में 12 आदमी ले गई रही जनवा, कौनो ओकर सुनवाई ना भई, कौनो लाभ ना मिलल। हमनी के स्थिति बहुत किसान के जौन बात बहुत दयनीय हो गई है। वो भी गला पूजी था, वो भी हम लोग का समाप्त हो गया इस बाढ़ में। जाए तो जाए का हम लोग जो मैंने स्थिति इतनी बुरी हो गई मगर एक कगार पर आ गए हम। अब ना कोई गला है, ना पूंजी है, ना महाजन माल देने के लिए तैयार है। अब हम लोग पैसा ना पैसा है कि दुकानदारी फिर से कर सके। सरकार के दावों को सिरे से खारिज करने में बिजली विभाग कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है, और यही कारण है कि उपभोक्ता को कभी बिल ज्यादा थमा देने या कभी बिजली सेवा बाधित कर देना। इसी से परेशान होकर ग्रामीणों ने नानपुर थाना क्षेत्र के चौपार गांव में सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। में से बिजली का जो है यहाँ जो ट्रांसफॉर्मर 10 KV का क्या औकात है, 10 KV का आधा गांव में जो उधर जो करेगा वायरिंग वाला सब तो फूल हो गया, और ये 10 KV वाला ये कबाड़ा कबाड़ा जब कंप्लेन होता है ना कबाड़ा वाला उठा कर ले आता है तो लेकर था ना 10 दिन में फूल मुड़ गया, फिर लोग अपना चंदा उंदा ये इकट्ठा करके उसको चालू किया, फिर ये 10 KV कबाड़ा कितना दिन चले, फिर समस्या यह बात है। कितना घर होगा तकरीबन 10 KV पर कितने घरों को लोड किया गया? 500 कम से कम उसको ट्रांसफॉर्मर दूर है, यहाँ पर 1-63 KV वाला उस पर आधा पर वायरिंग हो गया हुआ है कि उसका सब वायरिंग कर दिया हुआ है, और आधा पर ऐसा ही है सबको बिल दे रहा है, काम ऐसा ही है कभी उड़ा कभी गया, सब अपना बचाना ही करता करके ये बिल जोड़ता है दिन में। बिहार में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कभी बिना वैक्सीन के लोगों को कोरोना टीका दिया जा रहा है, तो कभी मरीज अस्पताल की कुव्यवस्था के कारण दम तोड़ रहे हैं। और ऐसा ही एक मामला किशनगंज से सामने आया, जहां एक मल्टीनेशनल कैडिला कंपनी की दवा में एक्सपायरी डेट में बदलाव किया गया और इसका वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कैडिला की दवा के रैपर में मई 2021 के इंक प्रिंट के ऊपर एक मामूली स्टिकर लगाकर एक्सपायरी डेट को मई 2022 कर दिया गया। वही जब इस संबंध में दुकानदार से बात की गई तो दुकानदार ने इसका जिम्मेदार कंपनी को ही ठहराया। यह मामला संज्ञान में लेते हुए किशनगंज सिविल सर्जन ने भी जांच के आदेश
जारी कर दिए है। इसमें ऐसा है कि हमको जैसा लगता है जो वो जो मैनुफेक्चरिंग डेट तो सेम है 2020 का, और उसमें मिसप्रिंट होके May 22 नहीं होके May 2020 का लिखा हुआ है, 21 का लिखा हुआ है, जो क्योंकि हर एक दवा का कम से कम 1.5 साल का एक्सपायरी डेट होता ही है, तो उसमें स्टीकर चिपका हुआ है। हाँ, वो तो हमको वहीं से मिला, जसवाल डिस्ट्रिक्ट से हम पूर्णिया से माल लिए थे, वैसे ही आप लोग जानते हो कि हमारा ये सीमांचल का इलाका, एजुकेशन की कम कमी, यहाँ पे क्या होता है कि सर में दर्द भी होगी तो डॉक्टर के पास जाओगे तो वो पेट के दर्द की दवाई भी दे देगा, तो उस पर भी विश्वास करके लोग खा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग इतना ध्यान नहीं देते कि कौन सी दवाई है, कौन सी है, कैसे है। तो ऐसा हुआ है कि वो दवाई के ऊपर जो लेवल है उसके नीचे, जब ऊपर से किसी ने आदमी ने देखा तो उसके ऊपर जो फाड़ा गया तो उसके नीचे डेट एक्सपायर थी। मैं चाहती हूँ कि इसकी जिम्मेवारी आखिर कौन लेगा, अगर किसी को कुछ हो जाता है, कितनी जनसंख्या इस दवाई को खा रही है, क्योंकि जैसे आप जानते हो कि अभी महामारी का माहौल चल रहा है, कोई भी डॉक्टर के पास जाओ जिस तरह की दवाई भी दी जाती है तो लोग खा रहे हैं, क्योंकि अपनी जान से ऊपर किसी को कुछ नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि ये चाहे दवाई पूर्णिया से आई हो, चाहे केरला से आई हो, जहाँ से भी आई हो, इस दवाई के ऊपर पूरी जाँच होनी चाहिए और कंपनी के ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, मॉडर्न मेडिकल के बारे में पता चला केरला कंपनी की कोई दवा है जिसके ऊपर जो एक्सपायरी डेट के ऊपर 2022 लिखा हुआ है, अंदर में 21 लिखा हुआ, वह मात्र मैन्युफैक्चरिंग 2020 का है, 6 महीना में कोई दवा जनरली एक्सपायर नहीं होती है, लेकिन फिर भी वह जो प्रिंट किया हुआ है मैन्युफैक्चरर की अनुमति से ही उसको किया जा सकता है चेंज, उसका इंक्वायरी हो रहा है जो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल जो पूर्णिया का है जहाँ से दवा उसके यहाँ आया है, इंक्वायरी हो रहा है कि क्या उसने अनुमति लिया है मैन्युफैक्चरर से कि नहीं, और नहीं होगा तो उनसे कार्रवाई। पूर्वी चंपारण के ढाका के शुभम कुमार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा संवाद किया। वहीं बीते दिन डॉक्टर्स डे पर संजीवनी ऐप से मिले सहयोग को लेकर पीएम ने जानकारी ली। दरअसल शुभम की दादी मानसिक रूप से पीड़ित है, जिनका इलाज लखनऊ के अस्पताल में चल रहा है, लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते इलाज असंभव सा हो गया था, जिसके बाद इलाज के अभाव में युवक की दादी की स्थिति नाजुक होने लगी, जिस पर अस्पताल के डॉक्टरों ने संजीवनी ऐप की जानकारी युवक को दी। इस ऐप के सहारे शुभम ने अस्पताल के बड़े डॉक्टरों से संपर्क किया, और इस संबंध में शुभम ने बताया कि पहले कुछ डॉक्टर से संपर्क हो पाता था, लेकिन संजीवनी ऐप की वजह से बड़े बड़े डॉक्टर और विशेषज्ञों से इलाज संभव हो सका है, जिसके बाद संजीवनी ऐप के माध्यम से हुए इलाज से उसकी दादी दादी स्वास्थ्य को लाभ हुआ है। दादी के स्वास्थ्य में हुए लाभ से शुभम का पूरा परिवार भी बेहद खुश है। लोग अपने घर से करीब 500 किलोमीटर दूर लखनऊ के KGM हॉस्पिटल में उनका जेरियाट्रिक एंड मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट में इलाज कराया, तो डॉक्टर साहब से हम लोग मिले, ऑनलाइन पोर्टल पे हम लोगों ने रजिस्टर कराया, और उसके बाद क्या हुआ कि हमें 10 दिन का फॉलोअप पे फिर से वापस जाना था, और उसी दिन लॉकडाउन हो गया। हम लोग काफ़ी टेंशन में आ गए कि आगे का ट्रीटमेंट कैसे होगा। फिर आगे का ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर साहब ने हमें ई संजीवनी ऐप के बारे में बताया, जो कि बोले कि आप घर पे बैठे बैठे हमसे परामर्श वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग घर वापस आ गए, उसके बाद कई बार लगातार उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी दादी माँ का ट्रीटमेंट करा। बिहार में मामूली कहासुनी को लेकर विवाद की खबरें आए दिन सुनने और देखने को मिलती है, और एक ऐसा ही ताजा मामला समस्तीपुर के शिवाजी नगर ओपी क्षेत्र के बंदा गांव से सामने आया है, जहां कटहल तोड़ने को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया, जिससे एक महिला घायल हो गई। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। मार पीट किया है। क्या वजह क्या था? अरे कटवा दिए, काटने के लिए गया था तो ये पत्नी गया वो रोक लो, उसी पर मारपीट करने लगा सब।
कटिहार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने 3 दिन पहले चावल व्यापारी के स्टाफ से हुए लूट कांड का खुलासा किया है। इस मामले में कटिहार पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने में शामिल 5 अपराधियों और एक साजिशकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार अपराधी के पास से लूटी गई नगद राशि यानी 1,95,000 सहित घटना में उपयोग की गई मोटरसाइकिल, मोबाइल, देसी पिस्तल समेत कई चीजें बरामद की है। बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये ताजा मामला पुणे से सामने आया है जहां बेखौफ अपराधियों ने एक मक्का व्यापारी से गोली मारकर 3,70,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यापारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बदमा साहेब अपाची से, हम लोग बाइक से थे वहाँ, उधर से आने के बाद जो है गोली मार दिया। गोली जो है इसके राजीव के ऊपर मार किए और गोली मारे इसको। कहाँ से आ रहे थे? हम लोग आ रहे थे वहाँ से, मंडी से। क्या इसके बाद गोली मारने के बाद क्या पैसा उसका? पैसा छीना। कितना पैसा? 3,70,000। बीते दिन रामगढ़ उपायुक्त संदीप सिंह ने पतरातू पीटीपीएस लेक रिजॉर्ट के एरिया का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद रामगढ़ डीसी ने बताया कि पतरातू लेक रिजॉर्ट के आसपास के सरकारी जमीनों में जो भी नई दुकानें और भवनों का निर्माण किया जा रहा है उसे जल्द ही हटाया जाएगा। इसके अलावा बताया कि पीटीपीएस संपदा पदाधिकारी और सीईओ पतरातू द्वारा उन लोगों को नोटिस जारी किया गया है जो भी पुराने स्थायी या अस्थायी निर्माण हुआ है उनके खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कोई नया निर्माण ना हो इसका भी ध्यान रखा जाएगा। बता दें कि इस निरीक्षण कार्य में एसटीओ रामगढ़ कीर्ति पतरातू, सीईओ शिव शंकर पांडे और संपदा पदाधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। ये बेसिकली पीटीपीएस जो पतरातू रिजॉर्ट एरिया है और आसपास की रोड्स है, यहाँ पर हाल के दिनों में कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन, जो सरकारी जमीन है, पीटीपीएस की जमीन है, रोड की जमीन है, इसको इंक्रोच करके लोग निर्माण कर रहे हैं। पहले भी हम लोगों ने अंचल प्रशासन की तरफ से लोगों को नोटिस दिया है, सरकारी जमीन पर कोई निर्माण कार्य नहीं करें, उन्हीं को चिन्हित करते हुए नापी कराते हुए सभी जगहों पर जहाँ लीगल इंक्रोचमेंट हुए हैं कॉर्टेज को नोटिस देते, तो इंक्रोचमेंट चिन्हित करने को उसको हटाने की प्रक्रिया की जा रही है। इसी संबंध में मुझे ये कब तक सर कार्रवाई हो पाएगी? ये इमीडिएट, जैसा मैंने आपको बताया, तो ये पहला स्टेप है कि मेजरमेंट करके ये देख लिया गया कि सरकारी जमीन पर कहाँ कहाँ पर लोगों ने इंक्रोचमेंट किया है, उनको नोटिस देते फिर तुरंत उनको हटाने की कार्रवाई। अधिग्रहित क्षेत्र में कुछ स्थायी कुछ अस्थायी दोनों तरह के स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, उनको नापी का काम हम लोगों ने पूरा कर लिया है और कुछ मामलों में नोटिस इशू किया गया है। स्थायी स्ट्रक्चर वो हैं, उसमें कुछ और जो नोटिस के लिए बाकी बचे हुए हैं उनको कल से हम लोग नोटिस इशू करेंगे और जो अस्थायी स्ट्रक्चर हैं कल हम लोग माइकिंग कर रहे हैं, 2-3 दिनों का समय देंगे। अगर हटा लेते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा फिर हम लोग जेसीबी के माध्यम से उसको बलपूर्वक हटाने की कार्रवाई अगले। गढ़वा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बीते दिन हुए हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान तीनों ने अपना दोष स्वीकार किया, पुराने दुश्मनी में हत्या को अंजाम देने की बात कही है। इसकी जानकारी गढ़वा एसपी श्रीकांत एस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी है। औरंगाबाद थाना अंतर्गत 27 जून को जो है एक महिला की हत्या का मामला सामने आया था। उस समय में कांड संख्या 162 दर्ज कर दिया गया था और उद्भेदन हेतु जो है वो एसडीपी औरंगाबाद के नेतृत्व में टीम का गठन मेरे द्वारा किया गया था। अनुसंधान के क्रम में जो है उस कांड में जो शामिल अपराधकर्मी हैं उनको चिन्हित किया गया, उनके द्वारा अपने गुनाह को जो कबूल किया गया
और उसका रीज़न जो है वो निजी रंजिश होना द्वारा बताया गया। साथ ही इस कांड में जो कई हथियार हैं वो हथियार भी इनके निशानदेही से बरामद किए गए। बीते दिन कन्नौज के जामा मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ने की मांग सुन्नी और देवबंदी पक्ष कर रहा था, जिस कारण घंटों तक कन्नौज कोतवाली में पंचायत चली। सदर एसडीएम गौरव शुक्ला और सीओ शिव प्रताप सिंह ने दोनों पक्षों के प्रमुख लोगों को बैठाकर पंचायत के दौरान घंटों बाद निष्कर्ष निकाला कि 1 बजे से 1:45 तक सुन्नी पक्ष के द्वारा नमाज कराई जाएगी, वही उसके बाद देवबंदी पक्ष को समय दिया जाएगा, जिस पर दोनों ही पक्ष राजी हो गए और मामले को शांत कराया गया। जामा मस्जिद में जुमे की नमाज को लेकर दो जो पक्ष हैं उनके बीच में एक विवाद था, जिसके संबंध में इनका वक्फ बोर्ड में मामला भी चल रहा है और उसमें अभी फैसला नहीं हो पाया है। तो दोनों ही पक्षों को यहाँ पर अपने अपने समाधान के लिए आए थे और उन्होंने एक निर्णय लिया है कि 1 बजे से लेकर 1:45 बजे तक एक पक्ष और फिर 1:45 बजे से दूसरा पक्ष अपनी नमाज करेंगे, और इस पर दोनों लोगों ने निर्णय लिया है स्वयं, जिसको प्रशासन से उन्होंने अनुरोध किया है कि इस पर हम सहमत हैं, उसको हम लोग शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम उसमें देखते रहेंगे। बिहार में जून के महीने को तबादले का महीना कहा जाता है। महीने के अंत तक अमूमन हर विभाग के अधिकारियों का ट्रांसफर किया जाता है। कल यानी 30 जून को भी हर विभाग को मिलाकर राज्य में 1500 से भी अधिक अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है, लेकिन तबादले के बाद राज्य में बवाल मचा हुआ है। सत्ताधारी दल के विधायक ने नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों पर ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर वसूली करने का आरोप लगाया है। इधर आरोप प्रत्यारोप के बीच बिहार के शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया। विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने 30 जून को जारी 257 बीईओ के तबादले के आदेश को वापस ले लिया है, क्योंकि इसमें काफी सूचनाएं मिली हैं, चाहे जिनकी पदस्थापना हुई है ट्रांसफर पोस्टिंग जिन हुआ जो पदाधिकारी पदस्थापित किए गए हैं उनके द्वारा, या उस विभाग के जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनके द्वारा भी ये जानकारी मिली है कि बहुत बड़े पैमाने पर इसमें ये किया गया है। उसमें भाजपा के मंत्री, जेडीयू का मंत्री तो एक के बारे में हम कह सकते हैं, वो सब के बारे में, चूंकि जेडीयू में नीतीश का नियंत्रण है, मंत्रियों पर नियंत्रण है, यहाँ किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। अब ऐसे ऐसे मंत्री बनाए गए हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, जिस बैकग्राउंड के मंत्री, पैसा वाले क्रिमिनल जिस तरह के मंत्री बनाए गए हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, इमैच्योर्ड मंत्री, नए लोग। तो और जेडीयू के आप तो एक मंत्री के बारे में बोले कि जो बाहर से, वो भी इसलिए वो बाहर से आए हैं, दूसरी पार्टी से आए हैं इस पार्टी में, बड़ा हाईफाई मंत्री माने जाते हैं। बिहार की नीतीश कुमार सरकार को बड़ा झटका लगा है। बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। साहनी ने नौकरशाही से नाराजगी जाहिर करते हुए इस्तीफा देने की बात कही है। मदन साहनी ने कहा कि घर और गाड़ी लेकर क्या करूंगा, जब जनता की सेवा ही नहीं कर पा रहा हूं, जब अधिकारी मेरी सुनेंगे ही नहीं तो मैं जनता की सेवा कैसे करूंगा। हम सिर्फ और सिर्फ अफसरशाही के खिलाफ में ये इस्तीफा दे रहे हैं। हमको न कोई लोभ है न लालच है, क्योंकि हम जब लोग का सेवा नहीं कर पाएंगे, हमारे बात अफसर नहीं सुनेंगे तो लोगों का काम नहीं होगा, और जब लोगों का काम नहीं होगा तो हमको इतना बड़ा जगह नहीं चाहिए। अफसर बेलगाम है और वो किसी भी जनप्रतिनिधि को, चाहे MLA हो मंत्री हो, हम बार बार MLA का भी नाम ले रहे हैं और मंत्री का भी ले, दोनों का महत्व उतना ही है ना। कोई ये नहीं है कि मंत्री हो गया तो उसका महत्व बढ़ गया। MLA में यही है कि कुछ खुल करके बोल भी लेते हैं तो थोड़ा सा दबाव में आके काम भी, यहाँ तो बोल भी नहीं सकते, आज बोलने तो आप लोग ही घेर लिया। बिहार में एक तरफ सरकार के दावे
तो वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रों की बदहाली की तस्वीर, ऐसी ही बदहाली की तस्वीर कैमूर जिले से सामने आई है, जहां दुर्गावती प्रखंड के कल्याणपुर पंचायत के मिश्रपुरा गांव के दलित बस्ती के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। सड़क ना होने के चलते अगर यहाँ के लोगों की तबीयत बिगड़ जाए तो परिजन उन्हें खाट पर लेकर 2 किलोमीटर तक पैदल ही अस्पताल पहुंचाने को मजबूर है। नेताओं और अफसरों तक ग्रामीणों ने सड़क को लेकर कई बार शिकायत की, मगर कोई भी हल नहीं हो पाया। सरकार के द्वारा विकास और सड़क को लेकर हर रोज नए नए दावे किए जा रहे हैं, ऐसे में मिश्रपुरा गांव की तस्वीर सरकारी दावों की कलई खोलती है। बरसात में गांव की हालत तो ऐसी हो गई है कि गाड़ी तो दूर, यहां से पैदल निकलना भी बहुत मुश्किल है। गांव में रास्ता नहीं है, और गांव में रास्ता नहीं है, 2 किलोमीटर पैदल ले जाए। कब से रास्ता है? 1 दिन से नहीं करा। कौन कंपनी? मिश्रपुरा। अच्छा, आप कहाँ लेके जाए उनकी दवा को? हरिया। गांव में गाड़ी नहीं है उतनी? नहीं। सरकार में कहीं कलर है आप? हाँ, कोई बड़ी आवेदन दिया, बाकी कोई सुनवाई नहीं। साइकिल से भी जाने लग रास्ता नहीं है, सब लाट काट करके सब खेत बना ले बा, और आने जाने का हमको सबको भी परेशानी है। पानी में हेल हेल के आदमी जाता ना होता हमको समझ। अभी तो हम लोग भट्टा पर से आ रहे हैं, मजदूर आदमी काम कर रहे हैं। कहाँ रहने वाले हैं? हम तो वहाँ के रहने वाले हैं। खुद डेली यही रास्ते ही हम लोग का है। नहीं, वहीं से उतर कर जाना पड़ता है सर। अच्छा, कितना दूर लगभग? कम से कम यहाँ से कम से कम 1.5 गाँव है, 1 किलोमीटर के लपेट में पड़ जाएगा। तो मतलब रास्ता एकदम बिल्कुल जर्जर हो गया। हाँ, एकदम जान ही लग नहीं आदमी को, कितने आदमी परेशान इसे जाने। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।